अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो 07 लेक्चर वी विल बिगेन आवर डिस्कशन ऑन व्हाट इज एक्चुअली अ डिवाइडेड डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास कुछ x की टर्म है, देखें x0, x1 up to xn, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की टर्म है या फंक्शन f(x0, f(x1, f(x1, f(xn) ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, देखें इक्वी स्पेस की हम लोग बात करते हैं, इक्वल इंटरवल की बात करते हैं। देखें यहाँ x की कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज के दिन में 4 का डिफरेंस है, 1 से 5 तक 4 का डिफरेंस है, 5 से 9 तक 4 का है, 9 से 13 तक 4 का है। सो जब स्पेस इक्वी नहीं होगी, अनइक्वी स्पेस होगी, देखें यहाँ पे अगर अनइक्वल स्पेस होगी, अनइक्वल डिफरेंस होगा, जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, देन 3 का है, देन 3 का है, ठीक है, अनइक्वी स्पेस होगी, ठीक है। सो इन केस में हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का यूज़ करेंगे। सो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का यूज़ करने के लिए हमारे पास एक कुछ वैल्यूज़ हैं, एक्स नोट से लेके एक्स एन तक, एक्स थ्री तक, एफ ऑफ एक्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। अब हमने डिवाइडेड डिफरेंस में फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस कैसे निकालना है, देखें हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, देखें एफ ऑफ एक्स नोट एंड एक्स वन का, ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। इसका डिफरेंस कैसे निकालना है, हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नोड या एफ ऑफ एक्स वन, एक्स नोड एक्स वन, ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालने के लिए हम एफ ऑफ एक्स वन में से एफ ऑफ एक्स नोड को माइनस कर देंगे और नीचे इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, देन अब इन दोनों का भी डिफरेंस होगा कुछ, एफ ऑफ एक्स वन, एक्स नोड एक्स टू और एक्स थ्री का, ठीक है, एक्स वन और एक्स टू का भी होगा, ठीक है। उसका कैसे निकालेंगे, एफ एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। अब इन केस हम ये सबका डिफरेंस निकाल लेंगे, देन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तीन डिफरेंस आ जाएंगे, देन हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसके सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। ये तो हम पता ही है, इंटरपोलेशन में करते आए हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ठीक है। अब इक्वल वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, इक्वल वैल्यूज़ आ गई हैं, सो एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन, एक्स टू, ठीक है, इसके सेंटर में लिखेंगे इनका डिफरेंस, इनके सेंटर में। सो इसको कैसे लेंगे, देखें एफ ऑफ एक्स टू एक्स वन, ठीक है, मिडल वाली वैल्यू, देन लास्ट वाली वैल्यू, देन फर्स्ट वाली वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू, और नीचे कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम जो लास्ट वाली वैल्यू उसको फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह हम सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, हमने फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ऐसे फोर्थ डिफरेंस सारे निकाल लेंगे हम। देखिए हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस निकालने का मैंने कहा था एफ ऑफ एक्स वन में से एक्स नोड को माइनस कर देना है, एक्स वन में से एक्स नोड को, ठीक है, ये माइनस सिक्स में से थ्री को किया और जीरो में से वन को किया, ठीक है। सिमिलरली 39 में से माइनस सिक्स को किया, सब्ट्रैक्ट और सिक्स में से जीरो को किया, इस तरह हमारे पास सब डिफरेंस आ जाएंगे, और ये जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उस सेंटर में लिखेंगे, देन इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसको सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था कि डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है, सिंपल सा फार्मूला है इसका। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।